हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कुशाग्र गुप्ता यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। पर्टिकुलरली मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं जो बच्चों का आईसीयू होता है वो, और कोई भी पीडियाट्रिक इमरजेंसीज, एलर्जी, एस्थमा एंड पीडियाट्रिक इन्फेक्शन। हमारे यहाँ सिक बच्चों के लिए लेवल 3 NICU और लेवल 3 PICU सभी सुविधा उपलब्ध हैं, और 24 घंटे हम लोग कोई भी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए रेडी हैं हर तरीके से। लास्ट ऑलमोस्ट एक साल में हम लोगों ने 100 से भी ऊपर सिक बच्चों का इलाज किया है। पर्टिकुलरली जो एस्थमा और बच्चों का निमोनिया रहता है, अभी जैसे कि हमको मालूम है कि सर्दी का मौसम है और पोल्यूशन काफ़ी हाई है, तो जो एस्थमा और एलर्जी वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ और सर्दी खांसी होता है, तो उसी के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को जितना हो सके घर के अंदर रखें, घर में धूम्रपान ना करें, और किसी भी तरीके का धुआं, अगरबत्ती या ऑल आउट जो मस्किटो रिपेलेंट रहते हैं वो ना चलाएं। और क्योंकि हमें मालूम है कि ये सर्दी का मौसम है और एलर्जी और एस्थमा के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है धुएं की वजह से, तो इसीलिए अपने जिन भी बच्चों को एलर्जी या एस्थमा की तकलीफ़ है अपने बच्चों को घर के अंदर रखें ज़्यादा से ज़्यादा, घर के अंदर धूम्रपान ना करें और किसी भी प्रकार का धुआं, अगरबत्ती ना जलाएं, मस्किटो रिपेलेंट जैसे ऑल आउट, गुड नाइट वो ना जलाएं। थैंक यू।